मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास में ही शिवसेना ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से बेमुद्दत हड़ताल किया गया था। इनकी विभिन्न मांगें थी। दरअसल जो मांग थी कि जिस तरह से मुंब्रा से रेलवे स्टेशन से लेकर शिमला पार तालाब तक काफ़ी हॉकर हैं, ऐसे में इन्हें ऑटो रिक्शा जो है रोककर पैसेंजर बिठाने में उतारने में जो है कठिनाई होती है। ज़्यादातर वॉलेंटियर जो खड़े रहते हैं होकर के तरफ से गुलाब पार्क मार्केट के पास, वो इन्हें आगे की तरफ जाने का इशारा करते हैं। इन तमाम मांगों को लेकर जो है संघर्ष ऑटो रिक्शा यूनियन के तरफ से और शिवसेना ऑटो रिक्शा यूनियन के तरफ से यहां पर आज चौथा दिन था जो हड़ताल किया गया था। लेकिन यहां पर आज मनपा अधिकारी बालू पीचड़ और शिवसेना के पदाधिकारी राजन कीने ये तमाम लोग पहुँचे थे, जिसके बाद ऑटो रिक्शा वालों को ये आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। टेम्प्ररी बेस पर फ़िलहाल रमज़ान के एक महीने के लिए इन्हें कई जगह पर जो है चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाकर दिया जाएगा। इसके बाद रमज़ान के बाद जो है इन्हें अलग से फिर जो इनकी मांग है उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर आपको बता दें कि गुलाब पार्क मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में बहुत दूर दूर से लोग यहां पर ख़रीदी करने के लिए भी आते हैं और टूइंग गाड़ी जो है चालू है, जिस जो गाड़ियों को उठाकर कार्रवाई की जाती है, फ़ाइन दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग यहां पर ख़रीदी करने के लिए आ रहे हैं उनके आएंगे उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था जो है कहाँ पर की जा रही है। मनपा अधिकारी ने कहा कि इसकी भी व्यवस्था जल्द की जाएगी क्योंकि रमज़ान का महीना है, काफ़ी भीड़ होगी। और इस पूरे मामले को लेकर राजन किने और मनपा अधिकारी और एफएम इलियास ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। बल्कि ये सब तमाम रिक्शा यूनियन के लिए जो है यहाँ पर हड़ताल के क्या वजह थी, उसकी जो मांग थी पूरी हुई है या फिर आश्वासन दिया गया है क्या? जो रिक्शा यूनियन की जी मांग है, जो आंदोलन पे बैठे ये लोग, तो वो रिक्शा स्टैंड की उनकी मांग है। तो ये जो मांग है वो अभी की नहीं है, चार पाँच साल से उनकी मांगे चालू है। अभी अपना रमज़ान महीना चालू हो रहा है 11-12 तारीख से, तो उनकी मांग है कि हर टाइम हमको रमज़ान महीने में पुलिस की तरफ से कॉरपोरेशन की तरफ से तकलीफ होता है, रिक्शा खड़े करने का किधर भी रास्ते पे जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को स्टैंड परमानेंट स्टैंड की जगह करके दे दो। तो उस हिसाब से आज राजन किने साहब और यूनियन के सब शिवसेना यूनियन के जो सदस्य है अध्यक्ष है उनके साथ अभी चर्चा हुई है, तो उन्होंने अभी 7-8 ठिकान मार्किंग करके दिए। अभी जगह पे जाके हम लोग देखेंगे, वहाँ पे जो अतिक्रमण रहेगा तो वो हटा देंगे और रिक्शा स्टैंड के लिए जगह तैयार करके देंगे टेम्परेरी बेस पे एक महीने के लिए। उसके बाद में जो परमानेंट अपने को सॉल्यूशन निकालने का है उसके लिए कमेटी है, उस पर RTO है, कॉरपोरेशन है, वातुक पुलिस है, अपना स्थानिक पुलिस है, वो सब कमेटी के आगे और भी जो रिक्शा स्टैंड चाहिए तो सब जगह देख के तो उनका उस कमेटी के सामने अपन प्रस्ताव रखेंगे और वो मंजूर करके फिर नए जो स्टैंड है वो करके देंगे, ऐसा आश्वासन दिया। रोड पर इतनी बड़ी मार्केट लगी हुई है, रमज़ान का महीना आने वाला है, ऐसे में मुंब्रा शहर में बहुत दूर दूर से लोग खरीदी करने के लिए आ जाएंगे, टोइंग भी गाड़ी चालू हो चुकी है जो कार्रवाई कर रही है, तो लोगों की पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर है? जो आएंगे खरीदी करने के लिए वो पार्क कहाँ करेंगे? पार्किंग की व्यवस्था अभी तक तो वैसा कुछ तय हुआ नहीं है यहाँ पे मुंब्रा में, तो अपन कोशिश करेंगे कि मित्तल रोड पे वहाँ पे पार्किंग का जो है सॉल्यूशन अपना ट्रैफिक पुलिस है या स्थानीय पुलिस है उनके साथ मीटिंग लेके वो हल निकाल सकते पार्किंग के लिए। राजन दादा, तमाम शिवसेना आपकी जो यूनियन है उसके पदाधिकारी यहाँ पर जो है हड़ताल पर थे, तो अभी जिस तरह से आश्वासन ही दिया गया है या फिर काम भी होगा? शिवसेना रिक्शा यूनियन के माध्यम से आज 3 दिन से यहाँ पर एक धरना आंदोलन किया जा रहा था। उनकी मांगे थी कि ये जो RTA की तरफ से जो स्टैंड मंजूर हुए, ट्रैफिक की तरफ से जो स्टैंड मंजूर हुए मुंब्रा के लिए, टोटल ये 38 स्टैंड है कुछ, लेकिन मैं ये तो पहले से हम लोग मालूम है कि ये 2005 से ये स्टैंड मंजूर हुए, लेकिन उसका स्टैंड का कहीं भी ऐसा मेरे ख्याल से एक बार जब हमारे निसार भाई हम लोग एक वो तीन चक्की रिक्शा सॉरी 6 सीटर वाली रिक्शा जब हम लोग यूनियन चला रहे थे तो मिनी डोर, तो उस वक्त स्टैंड के लिए हम लोग ने ये किया था, तो उस वक्त स्टैंड के ऐसे
बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में फिर वो वैसा के वैसा ही रहा। अभी रिक्शा वालों को जो स्टैंड की वजह से जो तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्टैंड अगर तुमको ये महानगर पालिका के माध्यम से जितने महानगर पालिका हद्दी में जितने स्टैंड है, वो स्टैंड हमको पूरा एकदम क्लियर करके देने का हमारे जो सहायक आयुक्त साहब है पिचड़ साहब, उन्होंने हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को एक आश्वासित किया है। और ये जो स्टैंड है ये रमज़ान के बाद पूरे तरीके से किए जाएंगे। फिलहाल तो अभी इसकी पानी करके अभी फिलहाल इस स्टैंड की पानी करके अभी जो फिलहाल उनको जो सहूलियत दे सकते रिक्शा वालों के लिए, क्योंकि पवित्र रमज़ान महीना हमारे आने वाला है और उसमें रोड पर पूरे हॉकर्स वाले रहते, तो उसके बारे में भी मैं उनसे कहूँगा कि हॉकर्स वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखें। और ज़्यादातर खास करके जो हमारे बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर रमज़ान में जो खरीदारी करने के लिए या सब कुछ खरीदने के लिए, तो उसमें हमारे आम नागरिक को तकलीफ न हो, ट्रैफिक से कोई भी गाड़ी अगर हो तो सही तरीके से निकले, आसानी से निकले, उसके लिए हमने उनसे कहा है और वो उसके लिए भी राजी हो गए कि जल्दी से जल्दी इसका हम ये करेंगे। और ख़ास करके जो रोड के ऊपर हॉकर्स आते हैं उनके लिए हम अच्छा बंदोबस्त करके रखेंगे। आते क्या है, रोड पर ही हॉकर्स है, आते कहाँ? हाँ अभी है, पूरा हॉकर ही बैठे हैं। नहीं, लेकिन जितना जो कॉरपोरेशन ने पीला पट्टा मार के दिया है फिलहाल तो उसके अंदर है, लेकिन रमज़ान जब आता है तो सब लोग पीले पट्टे के बाहर आते, तो रिक्शा वाले के स्टैंड छोड़ के आप हॉकर्स वाले को ये रखिए। आपका जो ये हड़ताल चल रहा था ये अभी ख़त्म हुआ है? हाँ, ये अभी साहब के आश्वासन के माध्यम से ख़त्म हुआ है और मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हड़ताल, अभी रमज़ान आने वाले तो हड़ताल वगैरह करो मत, रमज़ान के बाद इस चीज़ को अपन लेके चलेंगे, इसको फॉलोअप रखेंगे और पूरे जितने अपने रिक्शा वालों की जो मांगनी है वो पूरी करेंगे। और रिक्शा वालों से भी मैं पूरे हमारे यूनियन के पदाधिकारी से विनती करता हूँ कि आप इस हड़ताल को ख़त्म करो और साहब को भी मौका दो उनका काम करने का और आगे बढ़ के करेंगे। हमारे इस धरने आंदोलन में जो रिक्शा बाकी यूनियन थे उन्होंने भी हमको बहुत सारा सपोर्ट किया, जैसे संघर्ष यूनियन है, बाकी जो इंडियन है, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया था कि आप जो हमारे रिक्शा वाले जो मांगनी लेके चले वो सही रास्ता मांगनी, और उसके लिए उनका सपोर्ट किया था हमारे यूनियन का। अब दादा ने और साहब ने जो अभी बात की उसमें साहब ने, मतलब हमारे एमसी साहब ने जो है एक बात उसमें और कि पिछले साल जो है एक रिक्शा जो है वो नाले में पड़ा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से, और हमारी यूनियन के लोगों ने, शिवसेना की यूनियन के लोगों ने उसका फॉलोअप लिया, उसके बाद में उनको उतना कोऑपरेट किया नहीं गया। अब वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वो कोऑपरेट नहीं किया गया, क्योंकि इधर किसी के ना, उस वक्त में जो है एक प्रेशर चलता है बाहर से, जो प्रेशर आता है मुमरा पे उसके हिसाब से कुछ अधिकारी उनके हिसाब से चलते हैं, तो वो रिक्शा चलाने वाले जो है ये गरीब लोग हैं, ये कोई अडानी अंबानी की रिक्शा नहीं चलाते मुमरा कौसा के अंदर, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो अभी साहब ने आश्वासन दिया है और दादा को भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी जल्दी से जल्दी जो है उसका कॉम्पेंसेशन भी जो है वो अदा करेंगे। तो अब दो आश्वासन इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी रहे आपके हॉकर्स की बात, तो अभी उनसे भी बात हो गई है और जो नए हमारे सीनियर साहब आए उनसे भी बात होगी, दादा से भी कल जो गुलाबपार के लोग भी आके मिले, तो हम भी चाह रहे हैं कि वो हॉकर्स की वजह से आम लोगों को जो है ना परेशानी नहीं है, वो लोगों के रोज़े जो है इफ्तार जो है लोगों के घर पे खुले, आराम से खुले और ट्रैफिक में कोई मामला नहीं आना चाहिए। तो उस तालिक से अभी दादा ने जो है महापालिका और पुलिस प्रशासन के साथ में एक मीटिंग रखी हुई है, तो इंशाल्लाह वो हॉकर्स भी थोड़े से आपको आपकी बात थोड़ा सिस्टम में नज़र आएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, शिवसेना की पूरी कोशिश है कि मुमरा के जो मुसलमान हैं जो पीसफुली जो है रमज़ान को अदा करें और अपने रोज़े भी जो है इबादतों के साथ में और पीसफुल रहकर जो है उसको अदा करें, ताकि उनकी इफ्तारी में कोई बाधा नहीं आए। तो उसके लिए अभी पिचड़ साहब ने भी जो आश्वासन दिया है कि वो जो हॉकर्स है उनके साथ में, उनकी यूनियंस के एक दो यूनियंस भी है उनके साथ में बैठ के बात करेंगे, हम लोग भी साथ में, ताकि जो ये आने वाले वक्त में जो हमेशा परेशानी रहती है वो परेशानी ना हो।